हाँ चलो आज स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर का सेकंड लेक्चर। तो हमने जो है इस टॉपिक में रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स तीनों रेगुलेशंस पढ़ चुके हैं। प्रोविजंस इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट कंपनीज रूल 2014 और रिक्वायरमेंट एज पर सेबी, ये तीनों कर लेना अच्छे से। प्रोविजंस इसमें से एक रहेगा एग्जाम में। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स के लिए। रिक्वायरमेंट ये प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, ये प्रोसीजर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो प्रोसीजर में 11 पॉइंट है, 11 पहले हेडिंग याद कर लेना। पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, जब डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है तो रिजोल्यूशन पास करती है कि हमको जो है डिबेंचर के थ्रू कितना पब्लिक से जो है फंड रेज करना है। उसके बाद होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर जरूरत पड़ा तो कॉल करेंगे। ये कॉल कब होता है, जब कंपनी मोर देन 500 लोगों से जो है डिबेंचर इशू करती है, 500 से ज्यादा लोगों को, तो जो है एक्स्ट्रा ये जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। मीटिंग बुला करके, एक्स्ट्रा मीटिंग बुला करके वहां जो है अप्रूवल लेंगे। उसके बाद है फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फाइल कराना पड़ता है। ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एजेंसी से जो है क्रेडिट रेटिंग कराना पड़ेगा, एक या एक से ज्यादा से। अपनी कंपनी का रेट क्या है, क्रेडिट रेट क्या है, हमारी कंपनी का मार्केट में जो है नाम कितना है, वो रेट निकालते हैं कंपनियां कुछ एजेंसी, वहां से जो है अपने को क्रेडिट रेटिंग कराना पड़ता है फीस भर करके। इंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो अगर नहीं बिकेगा, टारगेट पूरा नहीं होगा, तो रजिस्ट्रार बोल देगा कि तुम जो है 12 दिन के अंदर पैसा वापस करो सकता। तो इससे बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करती हैं, किससे, अंडरराइटर से। तो अंडरराइटर इज ए टाइप ऑफ एजेंट जो कि बिकवाने की गारंटी लेता है कि हम आपका डिबेंचर पूरा मार्केट में बिकवा देंगे, तो वो एग्रीमेंट साइन होता है। इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर, तो ये प्रोस्पेक्टस इशू करना, लेटर ऑफर जो है राइट, ये अगर प्लेसमेंट के जरिए जो है डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और लेटर ऑफ ऑफर राइट इशू के लिए है। उसके बाद है ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, डिबेंचर के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा जहां पर पब्लिक जो है डिबेंचर एप्लीकेशन फॉर्म भर के चेक जमा करेगी। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना, अब समझो सब लोगों ने जमा कर दिया तो अब एप्लीकेशन मनी जो है सेक्रेटरी जो है हर बैंकों से ले लेगा और फिर उसको जो है बोर्ड मीटिंग में रखेगा। देखो 9 पॉइंट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब उसके बाद मीटिंग में ये तय हो जाएगा डिबेंचर किसको किसको दिया जाए, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके बाद मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, अब उसके बाद जो है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में सबका जो है नाम दर्ज करेगी, लिखेगी। तो ये हो गया 11 पॉइंट, ये जो है 8 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको एडवांस में भेज दिया था कि तुम लोग अच्छे से पढ़ के आ जाओ। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, जैसे फर्स्ट पॉइंट पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें रिजोल्यूशन पास होता है, फाइनल डिसीजन रिजोल्यूशन कहलाता है ना, तो उसमें जो है रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रिजोल्यूशन विल हैव टू बी पास, कौन कौन सा रिजोल्यूशन रहेगा, देखो अमाउंट, कितना अमाउंट कलेक्ट करना है पब्लिक से बाय वे ऑफ डिबेंचर, टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, किस तरह का डिबेंचर रहेगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, वो टाइप डिसाइड करेंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू, टर्म्स और कंडीशन जो है पूरा रूल्स रेगुलेशन जो है प्रोस्पेक्टस में छपा देंगे, तो ये सब डिसाइड होता है, अमाउंट, टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इशू एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉर इशू।
उसके बाद है अप्रूव प्रॉस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। तो अप्रूव प्रॉस्पेक्टस, अब प्रॉस्पेक्टस को उसमें अप्रूव सपा क्या गया समझो, तो उसका मीटिंग के दरमियान ही ये जो है अप्रूवल होता है। अप्रूव प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर, प्रॉस्पेक्टस के जरिए कंपनी कलेक्ट कर रही है या ऑफर लेटर के जरिए कर रही है, लेटर ऑफ ऑफर के जरिए कर रही है, उसका अप्रूवल पास करना, अप्रूव करना, अप्रूव मतलब पास करना, तो मीटिंग में ये पास हो जाएगा प्रॉस्पेक्टस। अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंट करना एंड गेट देयर रिटन कंसेंट, और जो है रिटन कंसेंट जो है उनसे जो है लेना, टू गेट देयर रिटन कंसेंट, कंसेंट मतलब हलफनामा, एफिडेविट। तो डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे और उसे जो है रिटन कंसेंट ले लेंगे, एफिडेविट ले लेंगे। उसके बाद है ऑथराइज बोर्ड टू डिक्लेयर चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसी बोर्ड मीटिंग में यह तय करेंगे कि हम जो है कौन सा असेट, कौन सी प्रॉपर्टी जो है डिबेंचर ट्रस्टी के पास मोर्गेज करेंगे, क्योंकि बगैर मोर्गेज किए रजिस्ट्रार जो है परमिशन नहीं देता है डिबेंचर इशू करने का। तो ऑथराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, कौन सी असेट जो है हमको मोर्गेज के तौर पर रखना है वो डिसाइड करेगी, करेंगे मीटिंग में। कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड बारोइंग पावर नीड्स टू बी इंक्रीज, अगर बारोइंग पावर 500 मेंबर से ज्यादा से लोगों से कलेक्ट करना है ये डिबेंचर के जरिए अमाउंट बारो करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला करके उसमें जो है अप्रूवल पास कर लेंगे। कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड्स बारोइंग पावर नीड्स टू बी इंक्रीज। उसके बाद है ऑथराइज बोर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम एप्लीकेंट, एक जो है अब बोर्ड ऑथराइज कर देगा सेक्रेटरी को, तो बोर्ड ऑथराइज कर देगा कि ऑथराइज बोर्ड टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट, बोर्ड सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देगा कि तुम सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लो जहां पर लोग एप्लीकेशन मनी जमा करेंगे। तो ये है पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में ये सब फैसला लिया जाएगा, पहली बोर्ड मीटिंग जो होती है डिबेंचर इशू करने के पहले, तैयारी तो सब हो जाता है लेकिन ये अप्रूवल जो है उस मीटिंग के दरमियान होता है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, ये है पहला पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव होगा, अप्रूव प्रॉस्पेक्टस फॉर इशू ऑफ लेटर या लेटर ऑफ ऑफर, उसके बाद अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, गेट देयर रिटन कंसेंट, ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना, उनसे हलफनामा लेना, ऑथराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड को ऑथराइज किया जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो जो है मोर्गेज करेगा डिबेंचर ट्रस्टी के पास, कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड्स बारोइंग पावर नीड्स टू बी इंक्रीज, अगर बारोइंग पावर बढ़ाना पड़ रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएगा। ऑथराइज बोर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम एप्लीकेंट्स। उसके बाद है सेकंड, देखो होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऊपर आ चुका है ना, चौथा पॉइंट, वो कब बढ़ा होल्ड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, जब हम बारोइंग पावर बढ़ाएंगे, इफ द बारोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन, और उस स्पेशल मीटिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके लेना पड़ेगा कि हम जो है 500 से ज्यादा लोगों से जो है बारो कर रहे हैं रुपया पैसा। तो होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब बारहवीं पावर बढ़ाएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉइंट नहीं रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है थ्री, फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज के साथ सेक्रेटरी हैज टू फाइल ए स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ए कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग ऊपर हुआ, बोर्ड मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर जो है ये सब डॉक्यूमेंट, प्रॉस्पेक्टस की कॉपी, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर, ये जो है फाइलिंग करना पड़ता है फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या क्या फाइल करेगा, सेक्रेटरी हैज टू फाइल स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन में जो अप्रूवल पास हुआ है उसकी कॉपी, कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस,
ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, ये तीनों में से कोई भी एक अगर प्रॉस्पेक्टस के जरिए पैसा कलेक्ट कर रही है, लेटर ऑफ ऑफर के जरिए कर रही है या ऑफर लेटर से कर रही है, इसमें से कोई भी एक स्पेशल रिजोल्यूशन और प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर में से कोई भी एक रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज जो है वो फाइलिंग कराना पड़ता है। तो ये तीन पॉइंट हुआ, पास रिजोल्यूशन, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाना, होल्ड फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। कम से कम एक या एक से ज्यादा एजेंसी से अपनी कंपनी का रेटिंग निकालना पड़ता है कि हमारा जो है बिजनेस वर्ल्ड में कितना स्टैंडिंग है, क्या कितना क्या क्या नाम, कितना नाम है हमारा, वो रेट निकालती है। बहुत सारी एजेंसीज है, कंपनी गेट इट्स डिबेंचर रेटेड बाई वन आर मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनको फीस देना पड़ता है। फीस देने के बाद जो है वो हमको हमारे कंपनी का रेट निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो उनका आउटलुक है। वो जो है कंपनी गेट इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन आर मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, उस क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस लेटर ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर, उसमें मेंशन रहेगा प्रॉस्पेक्टस में कि किस कंपनी से हमने क्रेडिट रेटिंग निकाला है और हमारा क्या रेट है। उसके बाद है इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटर से भी एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी इंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू, अपने डिबेंचर इशू को जो है अंडरराइटर के थ्रू जो है इशू करना। अंडरराइटर समझ गया ना, ये टाइप ऑफ एजेंट, ये बड़े एजेंट होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां जो है एजेंट का काम करती हैं और फीस लेती हैं, वो बिकवाने की गारंटी लेती है, अगर नहीं बिका तो खुद खरीदने की पावर रखते हैं, तो होते हैं अंडरराइटर्स, ये टाइप ऑफ एजेंट। कंपनी इंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इशू प्रॉस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर। अब जो है मार्केट में जो है इशू करेंगे प्रॉस्पेक्टस को, पब्लिक उसको पढ़ेगी प्रॉस्पेक्टस और अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी। कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस इफ इट्स इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस कब इशू करती है, जब पब्लिक से जो है डिबेंचर के थ्रू पैसा लेना रहता है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। और ऑफर लेटर कब इशू करती है, ऑफर लेटर इज इशूड इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट। मेथड ऑफ इशू में प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़े हो लास्ट वाला, हाँ ये भी जो है अपने इम्प्लाई के लिए रहता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर कंपनी जो है ऑफर लेटर इशू करती है इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो, एंड लेटर ऑफ ऑफर टू राइट इशू, लेटर ऑफ ऑफर टू राइट इशू, और ऑफर लेटर ऑफ ऑफर इशू करती है राइट इशू के लिए, राइट इशू के लिए लेटर ऑफ ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट करिए ऑफर लेटर, और पब्लिक से पैसा लेने के लिए क्या होता है डिबेंचर। तो इशू प्रॉस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, समझे। कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। प्रॉस्पेक्टस का भी इशू करती है जब पब्लिक से लेती है पैसा। ऑफर लेटर इज इशूड इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ले रही है तो, एंड लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू, अगर राइट इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही डिबेंचर इशू कर रही है तो राइट इशू के थ्रू जो है पैसा लगी। ये सब डॉक्यूमेंट है जो रेडी करना पड़ता है। उसके बाद है देखो नेक्स्ट है ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी ओपन से सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। और कंपनी जो है एक सेपरेट अकाउंट डिबेंचर अकाउंट के लिए जो है एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगी, वो भी नेशनलाइज्ड बैंक में होना, शेड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए, नेशनलाइज नहीं, नेशनलाइज का अलग हुआ, शेड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो ये हो गया 7 पॉइंट वाला, ऑब्टेन क्रेडिट, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और इशू प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। उसके बाद है ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, ये हो गया 7 पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अब जो है एप्लीकेशन मनी जो है पब्लिक जो है भर करके जो है वो जो है गिवन बैंक, जो हम बैंक जो कंपनी बैंक का नाम देगी वहां पर जमा करती है इसी।
तो वहां से रिसीव करती है कंपनियां। सब्सक्राइबर यानी इन्वेस्टर, सब्सक्राइबर विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू स्पेसिफाइड बैंक विद इन द टाइम पीरियड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। जो लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस पे जो डेट पीरियड दिया रहेगा, कम से कम 3 से 5-10 दिन तक रहता है, उस पीरियड के दरमियान जो है, जो बैंक ने पीरियड दिया है 3 दिन दिया तो 3 दिन, 5 दिन दिया तो 5 दिन, 10 दिन दिया तो 10 दिन के अंदर जो है वो जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करना रहता है, यानी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइबर विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड इन बैंक विद इन द टाइम पीरियड मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर। ठीक है, अब उसके बाद है, जब एप्लीकेशन आ जाता है, सेक्रेटरी जो है हर बैंक अपने बैंक से कलेक्ट कर लेता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब उसके बाद जो है बोर्ड मीटिंग बुलाएगा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कॉल द बोर्ड मीटिंग, कि उसमें फाइनल होगा कि किसको डिबेंचर इशू किया जाए। आफ्टर द इशू क्लोजेस, जब क्लोज होता जाता है, समझो 5 दिन 10 दिन के अंदर क्लोज हो जाएगा, तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड, बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा। ए बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड, बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा डिसाइड करने के लिए, एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट करने के लिए उसमें अप्रूवल पास होगा। आफ्टर इशू क्लोजेस, आफ्टर द इशू क्लोजेस, ए बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। बोर्ड आल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स, बोर्ड उसमें भी डिसाइड करेगा, अप्रूव करेगा कि हमने जो असेट मोर्गेज करना है, कौन सा असेट करना है, वो भी उसमें डिसाइड होगा। बोर्ड आल्सो अप्रूव, वहां तो डिसाइड हो गया था मीटिंग में, अब यहाँ अप्रूवल दे देगा कि हाँ ये असेट को मोर्गेज करो, है तो यहाँ अप्रूवल देगा, डिसाइड तो पहले हो जाता है। तो इसमें देखो होल्ड बोर्ड मीटिंग, अब ये बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा तो इसमें क्या क्या अप्रूवल होगा। आफ्टर इशू, आफ्टर द इशू क्लोजेस, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का अलॉटमेंट अप्रूव होगा। और उसके बाद जो है बोर्ड आल्सो अप्रूव क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स, जो हमने पहले मॉर्गेज के लिए बोले हैं उसका अप्रूवल देना, उसका अप्रूवल जो है इस मीटिंग में दे देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब जिसको समझो ऊपर होल्ड बोर्ड मीटिंग उसमें डिसाइड हो गया कि इनको इनको जो है अलॉटमेंट लेटर भेज दो, तो अब यहाँ पर जो है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, अब जो है यहाँ पर सेक्रेटरी जो है अलॉटमेंट ये डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है विद इन 6 मंथ जो है हर एक डिबेंचर होल्डर के पास पहुंच जाएगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, 60 डेज में कंप्लीट करना है अलॉटमेंट प्रोसीजर जो भी है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आने के बाद। यहां पर देखो एप्लीकेशन मनी लिखा हुआ है, यानी यहां पर जो है डिबेंचर का पैसा जो है कंपनी इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती है, पूरा एप्लीकेशन के टाइम ही ले लेती है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन के टाइम लेती है कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम लेती है, कुछ पैसा जो है कॉल के टाइम लेती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के टाइम, यानी इंस्टॉलमेंट में लेती है। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है, पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही लेगा। तो इसमें देखो इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आने के 60 दिन के अंदर जो है जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ, 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है मेक इंक्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब जो है डिबेंचर रजिस्टर में जो है डिबेंचर जिसको जिसको शेयर अलॉट हुआ है उसका जो है नाम एक सेपरेट रजिस्टर में एंट्री, नाम जो है दर्ज करेंगे सेपरेट रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन 7 डेज आफ्टर बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। ऊपर देखो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया ना अलॉटमेंट के लिए 9th पॉइंट में, उसके 7 दिन के अंदर जो है ये रजिस्टर तैयार हो जाना चाहिए। तो सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन 7 डेज आफ्टर
बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। हाउएवर इफ डिबेंचर्स आर इशूड इन डीमैट फॉर्म, अगर डीमैट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, डीमैट का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड रखो, सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, हाउएवर इफ डिबेंचर आर इशूड इन डीमैट फॉर्म, कंपनी डज नॉट मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, वो तो ऑटोमेटिक जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके एजेंट के पास रहता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इफ डिबेंचर्स आर इशूड इन डीमैट फॉर्म, डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, तो जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर की जरूरत नहीं है। कंपनी डज नॉट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ऐसे डीमैट फॉर्म में अगर है तो रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये 11 पॉइंट हुआ, इसको एकदम रट डालना सर, ये जो है पूरा ये प्रोसीजर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर जो है ये जो है 11 पॉइंट आप लोग कर अच्छे से कर लेना। जिसमें 11 पॉइंट में देखो दिया था ना पहले, पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, देखो पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, वो पहले जो है पास करते हैं कि अगर हमको डिबेंचर इशू करना है तो पास करेंगे पूरा रिजोल्यूशन, इतने 5-6 पॉइंट है वहाँ दिया हुआ हो, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर 500 यानी अपना क्रेडिट बोरोइंग पावर अगर बढ़ा रहे हैं कि हम जो है समझो 5 लाख करने वाले थे, अब हमको 8 लाख करना है, तो बोरोइंग पावर अगर बढ़ा रहे हैं तो शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है, इसके लिए EGM बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो भी डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस है सब जो है फाइल कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद जो है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, कम से कम एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने कंपनी का रेट निकाल के वो भी डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट साइन होता है, हाँ? उसके बाद इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर, प्रॉस्पेक्टस कब इशू करती है पब्लिक के लिए, ऑफर लेटर जो है प्लेसमेंट के लिए है, लेटर ऑफ ऑफर जो है ये राइट इशू के लिए है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर डिबेंचर इशू करना चाहते हैं तो लेटर ऑफ ऑफर इशू करेंगे उनको, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, अलग बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर डिबेंचर मनी कहाँ आएगा उसके लिए अलग से सेपरेट बैंक सेडुल बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो है बैंकों से कलेक्ट करना ये सेक्रेटरी का काम है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग पास करेंगे उसमें जो है पूरा अप्रूवल पास कर लेंगे, फिर उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, विद इन 6 मंथ जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद है नेक्स्ट वो जो है डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी जो है वो रेट निकाल के देती हैं, है? तो क्रेडिट रेटिंग निकालना, कंपनी का नाम कितना है, गुडविल कितना है मार्केट में, उसका रेट होता है वो निकालना पड़ता है। इंटर इंटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, आप समझो डिबेंचर तो कंपनी ने इशू कर दिया, अब बिकेगा नहीं, अगर मिनिमम टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार जो है बोलेगा 12 दिन के अंदर पैसा सबका वापस करो आप, तो उसके लिए जो है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है, अंडर राइटर से एग्रीमेंट साइन होता है, और वो अंडर राइटर गारंटी देता है कि हम आपका डिबेंचर मार्केट में बिकवा के देंगे, तो इसके लिए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस इशू करना, जब पब्लिक से पैसा इशू, पब्लिक से जब डिबेंचर के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस इशू होगा, प्लेसमेंट के जरिए है, एग्जिस्टिंग एम्प्लाई को अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ऑफर लेटर होगा, लेटर ऑफ ऑफर के अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिबेंचर बेच रहे हैं तो लेटर ऑफ ऑफर इशू करेगा, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आने के बाद बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें अप्रूवल होगा कि किसको डिबेंचर दिया जाए, और उसमें ये भी अप्रूवल पास कर लेंगे कि जो है जो प्रॉपर्टी मोर्गेज कर रहे हैं उसका भी अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद है इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ जो है चला जाएगा, और मेक एंट्री इन द रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर, रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर में इंक्रीज करना विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो है डिबेंचर रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर में एंट्री करना पड़ता है।
अगर डीमैट फार्म में डिबेंचर है तो रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, हाँ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां पॉइंट, पहले पॉइंट रट लेना, उसके बाद जो है उसके अंदर का मैटर पढ़ डालो। अब उसके बाद आता है डिबेंचर ट्रस्टीज, इसके जो है 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डिबेंचर ट्रस्टीज, तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, लेकिन अभी इस साल के लिए फिलहाल ये नहीं है, एक स्टूडेंट है सिर्फ रीड करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखो इसमें है डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करती है ना कंपनियां, वो क्यों अपॉइंट करती हैं ट्रस्टी, अगर 500 से ज्यादा लोगों से हम पैसा ले रहे हैं डिबेंचर के थ्रू तो हमको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्टी जो है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर जो है, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ गलत काम कर रही है, धांधली कर रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी उसमें जो है इंटरफेयर करता है और उसको डिबेंचर को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ये कंपनी विच इशू प्रॉस्पेक्टस आर इनवाइट्स मोर देन 500% टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट 1 or more डिबेंचर ट्रस्टी। ये क्या, एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करता है अगर 500 से ज्यादा लोगों से डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो। ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशन, ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिबेंचर होल्डर के राइट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। जो कंपनी मोर्गेज रखती है तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास ही प्रॉपर्टी मोर्गेज करेगी। चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अगर कंपनी डूब जाती है तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच करके वो जो है लोगों का पैसा वापस करती है। तो चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज और द ट्रस्टीज बिकम द कस्टोडियन ऑफ असेट्स ऑन विच चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। जो कंपनी जो है अपना असेट प्रॉपर्टी जो है समझो मोर्गेज कर रही है, उसका कस्टोडियन है ट्रस्टी। कौन है? कस्टोडियन है। ट्रस्टी फ्री में काम नहीं करता, अपना फीस चार्ज करता है। तो द ट्रस्टीज बिकम कस्टोडियन ऑफ असेट्स ऑन विच चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बिफोर प्रॉस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर इज इशूड। ये प्रॉस्पेक्टस के पहले जो है ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हो जाता है। द ट्रस्टी मस्ट गिव रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डिबेंचर ट्रस्टी, और ट्रस्टी जो है एक रिटन कंसेंट देता है, हलफनामा देता है, एग्रीमेंट एफिडेविट देता है कि हम ट्रस्टी का काम करेंगे और सही तरह से करेंगे। द प्रॉस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। प्रॉस्पेक्टस जब छपाया जाता है तो उसमें ट्रस्टी कौन है, डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, उसका नाम देना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट एजेंसीज का भी क्रेडिट होता है, हाँ उनका भी गुडविल होता है। अगर अच्छा अच्छे एजेंसी से हमने अपने कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कराया है तो उस हिसाब से हमारा कंपनी का नाम रहता है कि हमने अच्छी कंपनी से रेटिंग कराया है। देखो ये भी आ सकता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो साइन होता है एग्रीमेंट ट्रस्टी और कंपनी के दरमियान, उसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। डीड मतलब एग्रीमेंट। तो इस पे भी आ सकता है डिफाइन द फॉलोइंग कंसेप्ट डिबेंचर ट्रस्ट डीड। कंपनी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ 1 or more डिबेंचर ट्रस्टीज। ये क्या, एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट होता है, साइन होता है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट इज रिटेन इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो ट्रस्ट इसमें जो है दिया रहेगा, इसमें ट्रस्ट डीड में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिटेन इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। इट इज लीगल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है ट्रस्ट डीड। इट इज लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट्स ऑफ द कंपनी टू द ट्रस्टी। ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट्स ऑफ द कंपनी टू ट्रस्टीज। तो ये जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल जो ट्रस्ट डीड है। द डीड ऑल्सो डिफाइन द राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर। डीड क्या बता रहा है, एग्रीमेंट क्या बता रहा है, डिफाइन द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या हैं, एंड ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, और डिबेंचर ट्रस्टीज के ड्यूटीज और पावर क्या है। द डीड इज साइंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू।
इशू क्लोज होने के 3 महीने के अंदर जो है डीड जो है साइन होता है. मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड. मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर, मेंबर और डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट, उसको चेक कर सकते हैं डीड एंड ऑल्सो गेट ए कॉपी ऑफ इट्स बाई पेइंग सर्टन फीस. अगर समझो हमको भरोसा नहीं है कि ये लोग जो है डीड जो बनाया है वो फेक है, तो हम जो है कुछ फीस दे करके कंपनी से वो डीड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसकी कॉपी ले सकते हैं. मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड, वो एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो गेट ए कॉपी ऑफ इट बाई पेइंग सर्टन फीस, कुछ फीस दे करके उससे ले सकते हैं. लेकिन ये जो है डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये इस साल के लिए नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस पर क्वेश्चन आता है. तो इस तरह से आज का ये लेक्चर पूरा हुआ. नेक्स्ट टाइम जो है हम कराएंगे डिपॉजिट, अगला टॉपिक होगा पांचवा डिपॉजिट होगा. अब इधर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो देखो फर्स्ट 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हा? पहले 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझो 60% तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट 3 टॉपिक में हो गया. अब इधर देखोगे इस टॉपिक में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आज कराया ये है प्रोसीजर. उसके बाद डिपॉजिट है, डिपॉजिट भी छोटा ही टॉपिक है, उसमें भी एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट. और उसके बाद आता है 3 टॉपिक लेटर के आएंगे वो हम कराएंगे. तो इस तरह से आज का लेक्चर हो गया और इस तरह से हमारा 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया. ठीक है, ओके.